अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। अच्छा, आज जो है मैंने थोड़ी सब्जियां वगैरह मंगवाई थी। ये मैंने चने की दाल जो है भिगो के रखी है, बस अभी इसको मैं डालूंगी बीफ के साथ। और ये पालक है, पालक और बीफ के साथ थोड़ा बनाऊंगी, बट ये दोपहर के खाने में, लाइक डाइट में हल्का फुल्का पालक हेल्दी है, तो सिर्फ थोड़े से ऑयल में मैं कुक करूँगी, आपको दिखाऊँगी हर साथ। और रेसिपी जो है वो जब बना लूँगी तो आपको साथ साथ दिखा दूँगी। अच्छा, मैंने सब वेजिटेबल जो है धो के रख दिए। ये मैंने कद्दू, मतलब लौकी कद्दू टाइप मंगवाया है, इसको ना मैं कट करके देन स्टीम करके, वही मैंने आपको जो बताया था रायता। एक सेकेंड, मैं ये एग्जॉस्ट बंद करती हूँ, आई थिंक आप लोगों को ना आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। वेट, हाँ सॉरी इतने डिस्टरबेंस के लिए, इतना शोर मचाता है ना ये एग्जॉस्ट, इतना शोर मचाता है। अच्छा खैर, एनीवेज अभी मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने जो है ये बीफ अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दिया है। इसके साथ मैं इसके साथ ही डाल दूँगी चने की सारी दाल। ये मैं बना रही हूँ शामी कबाब, लास्ट टाइम चिकन के और शामी कबाब बनाए थे ना, चिकन और दाल के, इस बार मैं बना रही हूँ बीफ के और चने की दाल के जो है शामी कबाब। अच्छा मैं क्या करूँगी अभी, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देती हूँ, क्विक टिप भी बता देती हूँ कि चने की सारी दाल ज़्यादा थोड़ी भिगो दी है। एक्चुअली मैंने सोचा कि इसमें से हाफ जो है मैं निकाल के तड़के में डाल दूँगी, तड़का यानी थोड़ा सा वो कोकोनट ऑयल के अंदर हम हल्का सा वो ज़ीरा भून कर, और उसमें डाल दूँगी ये चने की दाल और साथ थोड़ा सा गोश्त निकाल कर और थोड़ी सी पालक ऐड करके, ठीक है। ये हम लोगों का हो जाएगा दोपहर का खाना। और ब्रेकफास्ट में मैंने वही दो ब्राउन ब्रेड लिए थे और साथ उसके बॉयल एग लिया था हमने, आपने लास्ट वीडियोज़ अगर देखी हो तो बॉयल एग के साथ मैंने जो ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बनाना बताया था आपको, बस वही लिया था, साथ ग्रीन टी ले ली थी। अच्छा अभी मैं क्या करूँगी कि चने की दाल और गोश्त को जो है मैं सिंपल हल्दी और काली मिर्च और थोड़ा गर्म मसाला डाल के जो है मैं इसको रखूँगी कुक होने के लिए जो 30 मिनट्स के बाद मैं प्रेशर ऑन करके, मतलब खोल के प्रेशर को, मैं क्या करूँगी इसमें से चने की दाल और गोश्त जो है थोड़ा सा सेपरेट कर दूँगी, उसमें पालक ऐड करके उसको तड़के बनाकर ये हम लोगों का बन जाएगा दोपहर का खाना। जो रिमेनिंग चने की दाल और गोश्त बच जाएगा उसमें मैं थोड़ा सा मसाले शामी कबाब के लिए डालकर उसको दोबारा से थोड़ा सा 10-15 मिनट कुक करूँगी ताकि अच्छे से मैश हो जाए, वो पानी ड्राई हो जाए, और वो उसके मैं बना लूँगी शामी कबाब। अच्छा ये सब मैंने रेडी करके रखा है, बिकॉज़ ये सब मैं लेके जाऊंगी ऊपर रूम में, बहुत गर्मी है, ये सब कटिंग के लिए मैं क्या करूंगी ये सब ले जाती हूँ। खीरे वगैरह सैलड के लिए भी मैंने चीज़ें मंगवा ली हैं, इसका मैं बनाऊंगी रायता, आपको बता चुकी हूँ। तो ये सब कटिंग मैं रूम में जाके करूंगी, ये और ये सब मैं ले जाती हूँ रूम में। और बस सिंपल अभी चने की दाल और गोश्त में डालकर सब मसाले वगैरह मैं अभी इसको रखती हूँ कुक होने के लिए 30 मिनट्स तक, जब तक ये कुक होता है तब तक मैं जो है इसकी चीज़ों की कटिंग कर लेती हूँ। एंड बस अभी तक के लिए बस इतना ही। और हाँ एक और बात, ये अच्छा ये पालक जो है मैं नीचे आके एंड पे जब बस इसको तड़के पे लगाने लगूँगी ना उसी टाइम इसको वॉश करके फ़ौरन से बस कटिंग कर लूँगी इसकी। ठीक है जी, तो मैंने सोचा क्विक से एक रिव्यू दे, उसका क्विक से एक क्लिप में बना देती हूँ। मैंने डाली है इसमें हल्दी, ठीक है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ज़ीरा एंड सूखा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और एज यू नो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था, मैंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, कि मैं क्या करती हूँ पानी जो है बॉईल करके, उससे क्या होता है जल्दी प्रेशर जो है वो जल्दी चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक कैटल जो है वो बॉयल पानी की डाल देती हूँ और थोड़ा पानी हो जाएगा तो जो बाकी पानी है वो मैं थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का, ठीक है। इससे क्या होता है सीटी ना जो प्रेशर की, सॉरी सीटी है, कैमरे सी जगह पर नहीं है, इससे क्या होता है जो प्रेशर की सीटी है वो जल्दी कुक चलना शुरू हो जाती है। अच्छा ऐसे मैं डालती हूँ थोड़ा सा पानी, और बस आपको दिखाना था एक क्विक सा वो देना था मैंने, तो इसको मैं करती हूँ बंद और बाहर चेक करते हैं वॉशिंग मशीन, आई थिंक कपड़े भी धुल चुके होंगे, बस वो लेके आते हैं अंदर अभी। सॉरी मैंने खड़े गर्म मसाले उसमें डालना भूल गई थी, तो अभी अचानक सडनली बंद करने से पहले याद आया। और मैं खड़े गर्म मसाला जो है इसमें डालती हूँ, इसको ऊपर की तरफ से इसका लिड बंद कर देते हैं, मैं आपको उसको बंद करके भी दिखाती हूँ, देन मैं डाल देती हूँ इसमें। इससे क्या होता है कि ये गर्म मसाले ना ऑब्वियसली मैंने शामी कबाब जैसे बनाना है तो फिर ये मैश करने में इसको प्रॉब्लम होगा, तो फिर मैं क्या करती हूँ इनको इसमें बंद करके, ये ना हो तो आपको भी मलमल के कपड़े में पोटली बनाकर आप डाल दें साथ, इससे ये होगा कि आपको शामी कबाब बना रहे हैं तो उसमें मतलब वो हो जाएगा, आपको हेल्प हो जाएगा कि आपको, वरना ये बाद में आपको ये मैश करना ना बहुत प्रॉब्लम होता है। ये जी बंद कर दिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर है और ये मैं डाल दूँगी ऐसे बीच में। यार ये सब काम भी करने पड़ते हैं, हम बोलें कि नहीं भाई हम तो पढ़ लिख कर यूनिवर्सिटियाँ पढ़ ली, सारा कुछ हो गया, हम तो जॉब भी कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटियाँ भी पढ़ रहे हैं, तो इन सब के बावजूद
ये सब काम ना करने पड़ते हैं, आपके हेल्प में जितनी मर्ज़ी लग जाएं। और स्पेशली खैर हम मेरी फैमिली में तो इतना कोई है नहीं भी, और मैं वैसे प्रेफर ये करती हूँ कि अगर कटिंग वगैरह मैं हेल्पर से करवा भी लूँ तो कुकिंग जो है मैं ख़ुद करती हूँ, क्योंकि इससे एक तो एक्टिविटी आपकी रहती है दिन में थोड़ा बहुत, ठीक है, वरना बिल्कुल ही आप बेड पे बैठ जाएं और कोई आपको काम नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आप कम से कम कुकिंग आपको ख़ुद करनी चाहिए, क्योंकि एक तो घर वालों को भी आपके हाथ के जायके का वो होता है कि भाई नहीं, इससे मोहब्बत भी बढ़ती है घर में, मतलब कुकिंग लड़की औरत ख़ुद ना करके अपने घर वालों को खिलाए, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, तो उससे एक तो प्यार मोहब्बत ही बढ़ता है, और दूसरा ये है कि थोड़ी एक्टिविटी रहती है, लाइक अगर आप थोड़े फ्री हैं, आप जॉब वगैरह इतनी कोई टफ नहीं कर रहे, तो कोशिश करें कि बेशक आप सारा काम हेल्पर से करवाएं, सफाई ये वो एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग, बस ये कि कटिंग भी आप बेशक करवाएं लेकिन कुकिंग कोशिश किया करें ख़ुद करें, इससे एक तो मोहब्बत भी बढ़ती है, प्यार भी बढ़ता है, खाना आपने अपने दिल से बनाया होता है ज़ाहिर है सबके लिए, ठीक है। तो खैर ये हो गया जनाब जी, तो मैं जो है ये बेडरूम में ले आई हूँ सारा सामान, ठीक है, बेडरूम में इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ पर एसी लगा हुआ है, ठंड है कम से कम, सुकून है, नीचे तो बंदा पागल होता है खड़ा होकर। अच्छा ये मैंने कल कुछ टमाटोज कट किए थे मैंने इसमें रखे हैं, अभी मैंने ना इनको इस तरह के जो इनके डब्बे होते हैं उनमें बंद करूँगी, तो मैंने सोचा सारे के सारे ये टमाटर वगैरह कट करके इसमें, एंड ये सब बस कटिंग करते हैं अभी बैठ कर सुकून से। जी ठीक है मैंने कटिंग कर ली है, मैं आपको बस कटिंग दिखाने के लिए यहाँ पर आई थी, ये चक्कर है, दिख रहे हैं आप लोगों को। अच्छा ये जो है मैंने लौकी को बना पका था, एक रायता बनाऊंगी, एक प्लेट लेती हूँ, एक सेकंड जरा मुझे। अच्छा ये जो लौकी है इसको मैं करूँगी स्टीम, ये साथ सामने वाली घर के बच्चे रो रहे हैं, इतना ऊंचा रो रहे हैं, शायद आप लोगों को कैमरा में भी इस रिकॉर्डिंग में भी आवाज़ आ रही होगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ये सामने वालों के बच्चे हैं बहुत रो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आज मौसम इतना हवा हवा वाला हुआ, मैंने सोचा जल्दी वॉशिंग मशीन लगा लूँगी। अच्छा ठीक है ये हो गई जी मेरे कद्दू लौकी वगैरह जो है, कद्दू लौकी भी बोलते हैं इसको, तो एनीवेज इसको मैं रखूँगी अभी स्टीम पर, ठीक है। स्टीम का तरीका मेरी लास्ट वीडियो में आप लोग देख लें, जिस तरीके से मैंने चिकन के ब्रेस्ट पार्ट को स्टीम किया था, वो स्टीम का सांचा होता है, उसको रख के बॉइलिंग पानी के ऊपर, ठीक है, उस पर इनको फैला दूँगी और हल्की आँच पर रख दूँगी, स्टीम पर पक जाएगा, जब पक जाएगा तो फिर इसको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी और दही में मिला के भुना हुआ जीरा और काली मिर्च के साथ रायता बना लूँगी। यार ये साथ में वो बच्चा इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, लिटरली मेरा क्या कर सकते हैं। चलें ये मैंने देखें सारे टमाटर जो हैं तकरीबन 1.5 किलो के करीब ही टमाटर थे, सब मैंने इसे चॉप करके जो है इसको भी रख लिया है, और ये मैंने कटिंग कर लिए हैं खीरे, 1 किलो के करीब थे खीरे थे ये भी, और ये सलाद पत्ता, ठीक है, ये सब मैं अभी डालूँगी कंटेनर्स में, और ये तो जनाब मेरी कटिंग के सामान है, इसको तो हटा देते हैं साइड पर। ये रही मेरी पालक, अच्छा मैंने इसको बस मोटा मोटा कट किया, इसको एक दफ़ा वॉश करके इसको मैं डालूंगी प्रेशर में, ठीक है, प्रेशर में प्रेशर लगाऊंगी थोड़ा तकरीबन 10 से 15 मिनट का, ये अच्छे से मैश हो जाएगा, और उसको फिर मैं किसी भी स्पून की मदद से उसको या बड़े चमचे की मदद से ये तो इसकी मदद से इसकी बैक साइड की मदद से ना इसको अच्छे से देन मैश कर लूँगी, क्योंकि हम लोग जो है मैश पसंद करते हैं, तो इसको मैं पालक को अच्छे से वॉश करके प्रेशर देकर देन उसको अच्छे से मैश कर दूँगी, फिर इसमें डालूँगी मैं चना और गोश्त जो है मैंने पक गया, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा वो भी, एक सेकेंड आ जाए मेरे साथ, ये चेक करें जी ये हो चुका है बिल्कुल गल चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, और ये वॉशिंग मशीन का पानी अभी भी निकल रहा है, आप लोगों को अगर आवाज़ आ रही है ये वॉशिंग मशीन का पानी है बाहर, बिल्कुल गल गई है चने की दाल, बिल्कुल ज़बरदस्त गल गई है, और कुछ चेक कर लेती हूँ कि गोश्त गल गया ही है, आई थिंक एक स्पून ले लेती हूँ, ज़बरदस्त देखे बिल्कुल 30 मिनट्स में बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा इसमें से मैं क्या करती हूँ, हाफ जो है मैं खाने के लिए निकाल लेती हूँ, और बाकी का जो रिमेनिंग हाफ है उसमें मसाले वगैरह डाल के इसके बना लूँगी मैं शामी कबाब, और उसको बल्कि अच्छे से पहले पानी ड्राई करके मैश करूँगी, इसको मैश करके देन बनाएंगे इसके शामी कबाब, तो इससे पहले मैं इन सबको मैं डब्बों में बंद कर लेती हूँ पहले मैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ इसको ना मैं अच्छे से एक दफ़ा दोबारा वॉश करके
हालांकि मैंने वॉश करके जो है वो कट की थी, बट उसको अगेन एक बार दोबारा से वॉश करके इसमें मैं चटनी कर दूँगी। ये पालक, पालक को सॉरी पहले मैं वो कर दूँगी प्रेशर देखें ना, दूध लाइक दो तीन सीटी या अगर टाइमिंग पे आप देखें तो तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसको प्रेशर दे के इसको अच्छे से मैश करके, तो फिर इसमें जो है तड़के में मैं डाल दूँगी पालक ड्रॉ में, मुझे भी याद रखिएगा। और बस मैं थोड़ा सा मैं ये चाह रही होती हूँ कि थोड़ी मोटिवेशन मुझसे जो आप लोगों को मिल सकती है, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए, थोड़ी हेल्प आउट हो जाए। लोग सोच रहे होते हैं आज क्या बनाना है, चलो उससे भी थोड़ा हेल्प आउट हो जाता है कि भाई बनाना क्या। ये देखें मैंने गर्म मसाले डाल के ना वो निकल गया इसका। ठीक है जी, तो ये मैं निकाल रही हूँ सेपरेट उसके लिए अपने खाना सालन के लिए। ठीक है, और बस अगेन अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अपनी ढेर सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, तो वक्त हो रहा है यहाँ पर शाम का और हम खाना जो है खा लिया था हमने। अच्छा, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। सॉरी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाना तो भूल ही गई थी कि मैंने पालक को आपको बताया था ना बॉईल करके उसको, फिर देन मैंने मिक्सी में डाला और उसको पेस्ट थोड़ा सा लाइक इतना बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाया, बट आप देख सकते हैं थोड़ा लाइक मोटा मोटा जो है मैंने थोड़ा हल्का एक दो बार बस ग्राइंडर चलाया। ठीक है, तो उसको बस ऐसे करके मैंने तड़के पर डाला था और चने की दाल और गोश्त मैंने अब हर बॉक्स में ना गोश्त और सालन इक्वल अमाउंट में जो है डाल दिया है। अभी मैं क्या करूँगी जो रिमेनिंग बच गया, बिकॉज जो ऑब्वियसली जिनके घर में ज़्यादा लोग हैं वो तो खाया जाता है ना सालन इतना, तो हम लोग का ये है कि हम लोग खाना बनाते ही कम है, ये हमने इकट्ठा एक ही बार, क्योंकि देखो पालक वाला और ये दाल वाला ऐसा जो सालन होता है जो प्रेशर में पकना हो या जिस पर मेहनत हो तो मैं इकट्ठा बना देती हूँ, वो थोड़ा थोड़ा फिर मुझसे रोज़ नहीं बनता। तो ये जो बच गया है उसको मैंने पोर्शन बना के यानी एक टाइम का खाना, अभी ये है कि रोज़ लाजम नहीं है कि ये खाएं, बट ये है कि किसी एक दिन छोड़ के एक दिन अगर नाश्ते में या फिर दोपहर के खाने में रोटी के साथ जो है, बिकॉज़ रोटी में कोशिश ये कर रही हूँ कि दोपहर में ही लूँ, डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने पोर्शन बना कर इनको चार टाइम्स का जो है वो करके और इसको मैं रख दूँगी अभी फ्रिज में। ठीक है, अच्छा जी, तो ये रहा इसकी फाइनल शक्ल, ये चेक करें। मैंने आपको कहा था ना शामी कबाब के लिए जो बना रही हूँ, इसका पानी सुखा रही हूँ मैं भी, अभी भी इसमें काफ़ी टाइम है। ठीक है, ये चेक करें इसका ज़रा क्लोज़अप, गोश्त का चेक करें, रेशा रेशा हो गया। ठीक है, ठीक है, तो बस यही बस अभी आज का यही काम है। रात का खाना जो है हमने खा लिया है, रात के खाने में सिंपल मैंने चना चाट ले ली थी बस थोड़ी सी, और कुछ दिल ही नहीं करता कुछ खास खाने का। एनीवेज़ जी, आज का व्लॉग बस इतना ही। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ओके जी, तो ये बन गए हैं सब कबाब, इनको मैंने शेप दे दिए, ऑलमोस्ट मेरे बने 17 to 18 कबाब।